हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और घूमते घुमाते आ गया हूं मैं उस जगह जहां बीकानेर से पहुंचने में नहीं लगती है देर। जी हाँ, ये जगह है गजनेर। फिलहाल मैं मौजूद हूं बीकानेर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित गांव गजनेर के अंदर। और यहां पहुंचने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको जो समय लगता है वह लगता है आधा घंटे से एक घंटे के बीच में, डिपेंड करता है रास्ते में आपको कितना ट्रैफिक मिलता है। और गजनेर की खासियत क्या है अब आपको बताता हूँ। वैसे तो ये गजनेर एक छोटा सा गांव है जो थोड़ा पुराना ही है, गंगा सिंह जी द्वारा बसाया गया बताया जाता है। और मेरे पीछे जो आप ये द्वार देख रहे हैं, यह द्वार जो हमें लेके जाएगा यहाँ के फेमस गजनेर पैलेस तक। जी हाँ, गजनेर पैलेस जो आज बन चुका है एक होटल, और जो कभी होता था बीकानेर के महाराजाओं की शिकारगाह। बहुत ही हरियाली से परिपूर्ण यह एरिया है और इसी वजह से इसके अंदर जो है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो देखते हैं हम आज कहां कहां जा सकते हैं। फिलहाल सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक खास स्थान जो है इस गजनेर पैलेस की जान। जी हाँ, यहाँ पर इस जो एंट्री गेट के पास में ही है करणी माता का एक प्राचीन मंदिर। ये है गजनेर पैलेस होटल का एंट्री गेट, और इसकी बाउंड्री वॉल के पास में ही आप ये जो सफेद मंदिर देख रहे हैं, यह है बहुत ही प्राचीन करणी माता का मंदिर है। लेकिन करणी माता के मंदिर के बारे में बताने और आपको यहाँ के दर्शन कराने से पहले मिलवाना चाहूंगा मेरे सह यात्री से। तो फिर से एक बार सिप्पी है मेरे साथ। हाय फ्रेंड्स, ये देखिए जो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं, मंदिर भले ही छोटा हो लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। बहुत प्राचीन मंदिर है यह। आप देख सकते हैं यहाँ द्वार पर ताला लगा हुआ है, इसलिए हम अंदर दर्शन नहीं करवा सकते हैं। द्वार पे भले ही ताला लगा हो लेकिन मेरे मुंह पे ताला नहीं लगा हुआ है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ करणी माता के इस मंदिर की कहानी को। कैसे बना करणी माता का यह प्राचीन मंदिर यहाँ पर? इस मंदिर का निर्माण करवाया था यहाँ के जो प्रतापी राजा थे, महाराजा गंगा सिंह जी, उन्होंने। और इसके पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी जो है करणी माता के अनन्य भक्त थे। उनके दर्शन के बाद में ही वह अपनी पत्नी का चेहरा देखा करते थे, ऐसा भी मुझे यहाँ आने पर मालूम चला है। करणी माता के अनन्य भक्त होने के कारण उनको करणी माता के साक्षात दर्शन होते थे। करणी माता तो पहले ही अंतर्ध्यान हो गई थी, लेकिन गंगा सिंह जी की जो भक्ति थी वो इतनी, कहते हैं ना कि स्ट्रांग थी, कि इस वजह से उन्हें साक्षात करणी माता दिखा करती थी। तो गंगा सिंह जी करणी माता के दरबार में उनसे अर्जी लगाते हैं कि हे माता, मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपकी शरण में ही रहूं, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। तो करणी माता उन्हें कहती हैं कि ठीक है, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं, तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे आती हूं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जहां तूने मुड़कर पीछे देखा मैं उसी स्थान पर स्थापित हो जाऊंगी। तो करणी माता के आदेशानुसार गंगा सिंह जी आगे आगे चलते हैं, पीछे पीछे आती है करणी माता। और चलते चलते गंगा सिंह जी जो है, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस स्थान के अंदर की तरफ, यहाँ जो परिसर है महल परिसर, इसके गेट से अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। तो उन्हें आभास होता है कहीं मैं अंधेरे में तो नहीं हूँ, कहीं करणी माता मेरे पीछे नहीं आ रही हूँ, पीछे रह गई हूँ। ऐसा विचार आने पर गंगा सिंह जी पीछे मुड़कर देख लेते हैं और करणी माता उनसे कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि अगर तू पीछे मुड़के देखेगा उसी स्थान पे मैं स्थापित हो जाऊंगी। तो यही वह स्थान होता है जहां गंगा सिंह जी पीछे मुड़कर देखते हैं और फिर बाद में करणी माता यहीं पे स्थापित हो जाती है। तो गंगा सिंह जी द्वारा बाद में करणी माता का मंदिर यहीं पर बना दिया जाता है। यह जो आप गजनेर पैलेस का जो कंपाउंड देख रहे हैं, जस्ट इसके बिल्कुल पहले वाला जो प्राचीन गेट होता था इसके अंदर एंट्री का, वह कहीं पर मंदिर के जस्ट, ये मान लीजिए पीछे दीवार है, यहीं पर कहीं पर होता था। फिलहाल अभी जो आपने शुरुआत में जो एंट्री गेट देखा था उसे बाद में बनाया गया है। तो इस तरीके से करणी माता का यह जो प्राचीन मंदिर है यह यहाँ पर बना था। अब इससे पहले कि हम गजनेर पैलेस अंदर जाके देखें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इस गजनेर टाउन के बारे में, यह यहाँ पर कैसे बसा था। बेसिकली यहाँ पे पास में ही एक और गांव है जिसे बोला जाता है चांडासर, और वहां पर आके बसे थे पालीवाल ब्राह्मण, जो मैंने आपको कुलधरा वाले ब्लॉग के अंदर बताया था कि वहां पे जो पालीवाल ब्राह्मण निवास करते थे अकाल या फिर जो शालम सिंह थे उसके कारण से रातों रात अपना गांव खाली करके निकल पड़े थे और बस गए थे इस एरिया के अंदर, बीकानेर के आसपास के कई गांवों के अंदर। तो वैसे ही एक गांव जो यहां पास में ही है चांडासर, वहां पे भी वो लोग आके बस गए थे। जब महाराजा गंगा सिंह जी ये बनाना चाहते थे गजनेर टाउन, तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप कहाँ पे बसना चाहते हैं, क्योंकि गंगा सिंह जी की जो इच्छा थी, यहाँ पे जो पास में NH 11 गुजरता है वह वहाँ पर बसाना चाहते थे गजनेर को, क्योंकि वह जो एरिया है हाईवे वाला एरिया है और थोड़ा ऊंचा एरिया है। यहाँ जहाँ गजनेर गांव
या गजनेर टाउन बसा हुआ है, यह ढलान के अंदर एरिया है। तो कहीं से भी आप इधर आएंगे तो ढलान वाला यह एरिया इसी के अंदर पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ के जो निवासी थे उन्होंने कहा कि महाराज हम तो आपसे प्यार करते हैं, आपके दर्शन होते रहें, आपकी छत्र छाया में रहें, इसीलिए आप हमें यहाँ जो आपका गजनेर पैलेस है इसके पास में ही बसाइए। तो इस वजह से यहाँ गजनेर कस्बा जो है बसाया गया और सारे निवासी जो थे गंगा सिंह जी के प्यार के कारण यहीं पर बसे। बेसिकली इस जगह पहले बनने वाला था एक तालाब, लेकिन जो ग्रामीण थे उनके प्यार को देखते हुए गंगा सिंह जी ने उस तालाब का निर्माण करवाया यहाँ से कुछ दूरी के ऊपर, जिसे कहा जाता है चांडा सागर। यूं तो गजनेर टाउन जो है ढलान के अंदर है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे जब जो मेन लेक है गजनेर लेक वह भी ओवरफ्लो हो जाती है, चांडा सागर भी जब ओवरफ्लो हो जाता है तब भी पानी जो है यहाँ पर रुकता नहीं है। व्यवस्था इस तरीके से की हुई है कि वह जो पानी है यहाँ से बाहर निकल जाता है और गांव के अंदर पानी नहीं आए दूसरी तरफ से, तो उसके लिए भी पाल का निर्माण किया गया है। और चांडा सागर जब ओवरफ्लो होता है तो उसका पानी चला जाता है गजनेर लेक के अंदर। कैसी है गजनेर लेक ये आप अंदर जाने पर ही देख पाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूँ चांडा सागर कैसा है। चांडा सागर है करणी माता के मंदिर से थोड़ा आगे की तरफ है, पहले हम वहीं जाएंगे। तो जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यही है चांडा सागर तालाब जो है, जिसका निर्माण होना था पहले जहां पे है गजनेर टाउन। लेकिन निवासियों ने प्रार्थना की थी गंगा सिंह जी से कि हम तो आपकी छत्र छाया में ही बसना चाहते हैं, इसीलिए जो गजनेर पैलेस का जो गेट है उसके पास बसाया गया गजनेर टाउन। चांडा सागर को फिर यहाँ पे बनाया गया था। और चांडा सागर के बिल्कुल पास में ही आप देख सकते हैं यहाँ पे गोपाल जी का मंदिर है, यह भी अति प्राचीन है। और जब चांडा सागर का पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से आगे स्थित जो है गजनेर लेक उसके अंदर चला जाता है, चादर चलती है इसके ऊपर और पहुंच जाता है पानी गजनेर लेक के अंदर। ये देखिए आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। आ गए हैं हम 350 से 400 साल पुराने श्री गोपाल जी के मंदिर के अंदर और आपको करवाते हैं प्रभु के दर्शन। ये देखिए श्री गोपाल जी के इस प्राचीन मंदिर का निर्माण जो है गंगा सिंह जी के पिताजी जो गज सिंह जी थे उन्होंने करवाया था, और उनके जब पुत्रों के अलावा पुत्री की प्राप्ति उन्हें हुई थी उस उपलक्ष्य में उन्होंने श्री गोपाल जी के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो लगभग 350 से 400 साल पुराना यह मंदिर बताया जाता है। श्री गोपाल जी के मंदिर की एक और है खास बात जो आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। क्या है वो खास बात वो आपको अंदर चल के ही बताता हूँ। तो सामने आप देख सकते हैं श्री गोपाल जी की भव्य प्रतिमा को, इनके राइट हैंड साइड में है राधा जी और लेफ्ट हैंड साइड में है रुक्मिणी जी। तो एक जो मशहूर है प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण के साथ प्रेम के लिए और दूसरी जानी जाती है उनकी पत्नी के रूप में। तो दोनों ही साथ में आपको कहीं पे दिखाई दे भगवान कृष्ण के, ऐसा मुझे नहीं लगता कि इतना ईजी होगा। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है। तो वास्तव में यह मंदिर बहुत ही अनोखा है। अगर आप यहाँ गजनेर पैलेस होटल को देखने के लिए आते हैं तो मेरा आपसे यही है कहना कि आप आके इस मंदिर में दर्शन भी कीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल पास में ही है। जो एंट्री गेट है वहां का उससे आप बिल्कुल पास में ही थोड़ा सा जाएंगे राइट हैंड साइड के अंदर तो आप पहुंच जाएंगे श्री गोपाल जी के मंदिर तक, और इसी के पास में आपको दिखाई देगा चांडा सागर। तो अब चलते हैं गजनेर पैलेस की तरफ जहां हम जाएंगे इस द्वार के थ्रू। तो लीजिए प्रविष्ट हो चुके हैं हम प्रवेश द्वार से। रोड की हालत थोड़ी खराब है, इसको सुधारना चाहिए। पहला वाला जो प्रवेश द्वार था वो आगे वहां पे था, इससे हम आ गए हैं दूसरे वाले इस एंट्री गेट पर। 1976 के अंदर इस गजनेर पैलेस को बना दिया गया था एक होटल, और अब जो है यह होटल ही है। तो आगे जाके देखते हैं हम कहां कहां जा सकते हैं।
तो लीजिए फाइनली मैं और सिप्पी पहुंच चुके हैं गजनेर पैलेस के इस होटल के सामने। गजनेर पैलेस का निर्माण करवाया था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने लाल बलुआ पत्थर से, और इसका नाम रखा गया था उनके पिताजी गज सिंह जी के नाम के ऊपर। बेसिकली यह हुआ करता था एक शिकारगाह। जी हाँ, आखेट करने के लिए जो बीकानेर का राज परिवार है वह यहाँ पर आया करता था। शिकार के लिए ही वह यहाँ रुका करते थे, ग्रीष्मकाल के अंदर भी यहाँ समय बिताया करते थे। गजनेर पैलेस की जो संपत्ति है यह लगभग 6000 एकड़ के विशाल क्षेत्र के अंदर फैली हुई है, और यहाँ पर आप सुन सकते हैं बहुत सारे पक्षियों की आवाजें जो फिलहाल मुझे सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं। तो यहाँ पे जो भी पर्यटक आके रुकते हैं इस होटल के अंदर वो सब उनको देख भी सकते हैं, हसीन नज़ारे जो हैं यहाँ पर लेक, जो गजनेर लेक है उसके नज़ारों को देख सकते हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो रुक सकते हैं यहाँ पे बने हुए शानदार, जी हाँ, शाही जो कमरे हैं, महल के जो कमरे जो आज होटल के अंदर है, आपको आज भी वही फील देंगे, मानिए आप राजा महाराजा ही हैं। तो अगर आप गजनेर पैलेस को देखना चाहते हैं मेरे जैसे एज अ टूरिस्ट, तो आपको पे करने पड़ेंगे 250 रुपीज। जी हाँ, 250 रुपए मात्र पर पर्सन यहाँ पे चार्जेस है। और ये है हमारी एंट्री टिकट, देख सकते हैं आप, प्राइस है इसके ऊपर 250। और ये लेके आप एंटर होते हैं वहां पर, मतलब वहीं से आप लेते हैं टिकट और फिर आगे जाते हैं पैलेस में। तो अंदर जाते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है यह गजनेर पैलेस होटल, जो आज अरविंद सिंह जी मेवाड़ है, महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ उदयपुर राजघराने के उनके अधीन है, यह उन्होंने लीज पर ले रखा है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ एक जो बग्घी रखी हुई है उसे। फिलहाल इसे ले जाने के लिए आगे कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ी सी फील ले रहा हूं अंदर जाने से पहले। तो अब फील ले ली है तो चलिए चलते हैं अंदर। आइए आइए। तो यहां है ये सीढ़ियां, और आप सामने देख सकते हैं रिसेप्शन एरिया है, और यह जो पुराने समय में जो रोशनी के लिए यूज में ली जाती थी लालटेन, उसके हिसाब की यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही हैं। तो देखिए यहां से हम अंदर एंटर हुए हैं रिसेप्शन एरिया के अंदर, और जो व्यू है यहाँ का वह कुछ ऐसा है। ये देखिए यहां पर अलग अलग कंट्री का टाइम आप देख सकते हैं कि किस कंट्री के अंदर क्या बजा है अभी, और हमारे भारत का आप समय देख सकते हैं 1:30 बज चुका है, 1:35 हो चुकी है। यहां से आप पहुंच जाते हैं गजनेर पैलेस के इस कंपाउंड के अंदर, पक्षियों की आवाजें आप यहां सुन सकते हैं, तो बर्ड वॉचर्स के लिए तो यह एक ट्रीट ही है। और सामने मुझे वहां पेड़ पर दिखाई दे रहे हैं तोते, मिट्ठू राजा इतने सारे। कोरोना की वजह से हमें यहां पर अभी टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मोस्टली यहां पर जो फॉरेनर्स होते हैं वो यहाँ पर बहुत संख्या में आते हैं, उनकी पहली पसंद में से ही है यह। तो यह जो गजनेर पैलेस है बेसिकली यह 4 भागों में बटा हुआ है। पहला जो भाग है वह है डूंगर निवास, दूसरा आ जाता है गुलाब निवास, तीसरा है चंपा निवास, और सबसे लास्ट वाला जो होता है वह कहलाता है मंदिर चौक। तो इस तरीके से ये जो 4 भाग मिलकर बनाते हैं इस शानदार गजनेर पैलेस को। और फिलहाल हम जिस कंपाउंड के अंदर है यह डूंगर निवास का ही कंपाउंड है, यह जो चौक है। तो डूंगर निवास के कंपाउंड में दिखी है मुझे एक खास चीज, पुराने समय में जिसका प्रयोग किया जाता था पानी को गर्म करने के लिए। जी हाँ, इसी के अंदर पानी भरा जाता था और गर्म कोयले की मदद से पानी को गर्म किया जाता था। तो ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसके अंदर भरा जाता था पानी, और ये जो आप सेंटर के अंदर देख रहे हैं जो पाइप, इसके अंदर डाला जाता था गर्म कोयला। तो इस तरीके से पानी हो जाता था इसके अंदर गर्म। लाल बलुआ पत्थर पर जो नक्काशी की गई है वह इसको बहुत ही खास बनाती है। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं मंदिर चौक वाले एरिया से, उसके बाद में हम जो महल के बाकी के हिस्से हैं वहां पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर चौक में। ये देखिए ये द्वार हमें लेके जाएगा मंदिर चौक तक, और आप देख सकते हैं इसका नाम मंदिर चौक क्यों है, क्योंकि सामने है एक मंदिर, और इस मंदिर में विराजमान हैं भोले बाबा शिवजी और उनके सुपुत्र भगवान गणेश। तो चलिए चलते हैं उनके पास और करते हैं अपनी प्रार्थना विशेष। और मंदिर चौक एरिया में अंदर आते ही हमें दिखाई देता है यह फव्वारा। जी हाँ, यह फाउंटेन है।
मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा एक बहुत ही प्यारा नजारा। जी हाँ, यह जो आप लेक देख रहे हैं यही कहलाती है गजनेर लेक। और जैसा कि सामने आपको बोट्स दिखाई दे रही हैं, तो इनको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इसके अंदर बोटिंग भी की जा सकती है, बोटिंग का मजा लिया जा सकता है। ये देखिए, एक बोट जो है यहां पर भी रखी हुई है। और यह जो आप देख रहे हैं यह डूंगर निवास का पिछला हिस्सा है जो मंदिर चौक के बिल्कुल अड़ा हुआ है, और वहां से भी आने का रास्ता है बोट्स में बैठने के लिए। इस लेक की खास बात यह है कि इसके अंदर वर्षा जल, जी हाँ, रेन वाटर जो होता है वही इकट्ठा होता है और वही बनाता है इस लेक को। अंदर जो भूमिगत जल है वह खारा है, उसे पिया नहीं जा सकता था। और इस स्थान पर जब गंगा सिंह जी ने यह बनवाया था गजनेर पैलेस, उस समय भी यहाँ पे ये लेक जो थी प्राकृतिक रूप से विद्यमान थी, लेकिन तब इतनी गहरी नहीं थी। और अकाल जब इस एरिया के अंदर पड़ते रहते थे तो गंगा सिंह जी ने इस लेक की जो गहराई है उसको और अधिक गहरा करवा दिया था, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा वर्षा का जल इकट्ठा हो सके। तो इस तरीके से गंगा सिंह जी द्वारा बनाने पर यह लेक और ज्यादा विशाल हो गई, इसकी जो भराव क्षमता है उसमें इजाफा हो गया। तो चलिए अब करते हैं दर्शन मंदिर के अंदर। ये देखिए, यहां से प्रवेश करना होगा और उससे पहले हमें उतारने होंगे जूते। ये सबसे जरूरी चीज है, ये आपको करनी ही होती है। हो गया काम, अब थोड़ा सा कर ले हस्त प्रक्षालन, हाथ धोने जरूरी है। वैसे तो शिवजी हैं, वही पिताजी हैं, गणेश जी पुत्र हैं, लेकिन भगवान गणेश को यह वरदान मिला हुआ था कि सबसे पहले उनकी पूजा होगी, तो इसलिए सबसे पहले चलते हैं उनके पास। उनके पास जाएंगे तो भोले बाबा अपने आप खुश हो जाएंगे। पास से दर्शन कीजिए आप गणेश जी के। अब चलते हैं इनके पिताजी के पास, यानी कि भोले बाबा के पास। जय हो भोलेनाथ। ये देखिए, ये है मंदिर की छत पे किया हुआ काम। आइए अब चलते हैं दूसरे भाग में। यहां पर जो डिलक्स रूम्स हैं उनकी संख्या है 32, और जो स्वीट है यहां पर उनकी संख्या है 13। तो टोटल 45 रूम्स हैं यहां पर इस गजनेर पैलेस के अंदर। तो सबसे पहले चलते हैं हम मंदिर चौक के अंदर बने हुए डिलक्स रूम्स की तरफ। आइए। आप वैसे तो बहुत सारे होटल्स में रुक जाएंगे, आपको लग्जरीज भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर जो आपको मिलता है सबसे खास चीज वह है शांति। जी हाँ, यह जो पक्षियों का शोर है, शोर नहीं कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा कलरव। तो यह आपको सुकून देता है, आपको परेशान नहीं करता है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर ऐसा माहौल और क्या चाहिए। तो ये देखिए, ये है मंदिर चौक के डिलक्स रूम्स का एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं। और वहां पर भाई साहब ने ओपन कर दिया है एक रूम हमारे लिए, अभी हम अंदर जाके देख सकते हैं। आइए आइए आइए। तो हम जो देख रहे हैं यह है रूम नंबर 121। जैसे ही आप एंटर होते हैं तो यहाँ पर सिटिंग एरिया है। ये लीजिए, हम अब आ गए हैं बेडरूम के अंदर, और इसका व्यू है कुछ ऐसा। रॉट आयरन का यह बेड है। चलिए चलते हैं बाहर। तो ये जो आपने डिलक्स रूम देखा है, इसके चार्जेस हैं 8,000 पर नाइट। चलिए चलते हैं अब गजनेर पैलेस के दूसरे एरिया की तरफ। और मंदिर पैलेस का यह जो आप बड़ा सा गेट अभी बंद देख रहे हैं, राजा महाराजाओं के समय में यही होता था प्रवेश का मुख्य द्वार। उसका कारण यही है कि इसके पास में ही है यहाँ पे भगवान गणेश जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर। तो जैसे ही वो इस पैलेस के अंदर एंटर हूँ, सबसे पहले वो दर्शन कर सके भगवान के, और उसके बाद में अंदर जा सके अपने काम के लिए, आराम के लिए। और काम यहाँ पे क्या होता था, शिकार। जी हाँ, आखेट के लिए यहाँ पे आते थे राजा महाराजा, तो इस गेट से यहाँ एंट्री लेते थे। और हम यहाँ से एग्जिट लेते हैं और जाते हैं महल के दूसरे हिस्से में। चलिए चलते हैं, फिर से हमें जाना होगा डूंगर निवास चौक के अंदर। और ये जो है यह कहलाता है डूंगर निवास। क्या है इसमें खास, जब हम जाएंगे अंदर तभी पता चलेगा ना मेरे यार। तो आइए आइए सरकार। तो
तो यहाँ से हम एंटर होके पहुंच गए हैं डूंगर निवास के बार रूम के अंदर, और ड्रिंक्स का आनंद आप यहीं पर ले सकते हैं। वैसे वक्त जो होता है शाम का, वही होता है इसके लिए बेस्ट। तब तक आप कीजिए थोड़ा रेस्ट, यहाँ भी बैठ सकते हैं आप। यहाँ पे लेक की ही पेंटिंग्स लगी हुई हैं। यहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग करते हुए ब्रिटिश अफसर हैं वो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, और आप इस झूमर को देख सकते हैं, शैंडलियर को। यहाँ देख सकते हैं आप डूंगर निवास के इस बार रूम की छत को। और इस बार रूम में अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बेहद खास चीज। ट्रेन का जो मॉडल देख रहे हैं, राजा महाराजाओं के समय में यहाँ पर आती थी ऐसी ही ट्रेन। विशेष जो रेल मार्ग वह बनाया गया था खास तौर पर यहाँ आने के लिए। और इस ट्रेन की खासियत यह है कि देखने में आपको लग रहा होगा यह मार्बल की बनी हुई होगी, नहीं जनाब, यह बनी हुई है हाथी दांत की। और इस ट्रेन के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं इस फायरप्लेस को, जो राजा महाराजाओं के समय में इस कमरे को गर्म करने के लिए प्रयुक्त होता था। यहीं पे रखे हुए हैं वो सारे इक्विपमेंट्स जिनका प्रयोग किया जाता था। चलते हैं बार रूम से बाहर और आपको फिर से दिखाता हूं एक बार गजनेर पैलेस लेक। थोड़ी देर पहले हम वहां थे, वहां से मैंने आपको ये हिस्सा दिखाया था। अब जरा आप पास से देखिए इस हिस्से को, इसकी जो नक्काशी की हुई जालियां हैं, जो इसके पिलर्स हैं उनको, यहां से व्यू है इनका ऐसा। तो ये जो गजनेर लेक आप देख रहे हैं, अभी इसके अंदर आपको एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका कारण यह है कि अभी जैसे ही 15 दिसंबर का समय आएगा, उस समय यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे प्रवासी पक्षी, और यहाँ पर वो अपना प्रवास काल पूरा करते हैं, इंजॉय करते हैं, और उसके बाद में उड़ जाते हैं अपने देश की तरफ। और यहाँ पे जो खास तौर पे एक जो क्रेन आती है, उसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, उसे राजस्थान के अंदर कहा जाता है कुर्जा। ऐसे ही इन पक्षियों को कलरव करते हुए देखते हुए हमें मिलती है भरपूर ऊर्जा। जी हाँ, पक्षी प्रेमी जो है उनको ये नजारा बहुत ही प्यारा लगता है। और वहां जो आप देख रहे हैं वो रेस्टोरेंट एरिया है और गार्डन एरिया है। तो गजनेर लेक का नजारा लेने के बाद में एक बार फिर से हम आ गए हैं गजनेर पैलेस के इस बार रूम के अंदर, और यहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा सा मजा कर रहा हूँ, फील ले रहा हूँ इस जगह की। और यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक खास बात कि जो ये गजनेर पैलेस बना था महाराजाओं के आखेड़ के लिए, शिकार के लिए, साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वॉयसराय थे और जो कई बड़े अधिकारी होते थे, वो लोग भी यहाँ आकर रुकते थे शिकार के लिए। यहाँ आने के बाद में मुझे पता चला है कि महाराजा जो गंगा सिंह जी थे वो बहुत ही कुशल शासक थे। उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे, बड़े अधिकारी थे, उनको कभी भी बीकानेर के अंदर आने ही नहीं दिया। उनको वो यहाँ इस गजनेर पैलेस के अंदर ही रुकवाते थे, यहीं पे उनको शिकार करवाते थे, अच्छे तरीके से उनकी आवभगत करते थे, खिला पिला कर यहीं से उनको विदा कर दिया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बीकानेर शहर को अंग्रेजों की नजर से बचा के रखा। बार रूम एरिया है, इससे हम जाते हैं बाहर और चलते हैं जो रेस्टोरेंट एरिया है उस तरफ, और वहां से आपको डूंगर निवास वाला जो ये एरिया है इसका बहुत खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, वहां से बहुत प्यारा व्यू मिलता है। आ गए हैं हम फिर से एक बार डूंगर निवास के चौक में, और ये जो बार है इसका नाम क्या है यह भी तो जान लीजिए। इसका नाम है मृग तृष्णा बार। मृग तृष्णा क्या होती है, जो नहीं जानते हैं उन्हें बताना चाहूंगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिराज। जी हाँ, जो आंखों का भ्रम होता है, हमें रोड पर कई बार जाते हुए ऐसा लगता है कि रोड पे आगे पानी है, लेकिन जैसे हम वहां पहुंचते हैं मालूम चलता है वहां पे पानी नहीं है, दूर दराज तक ऐसा कुछ नहीं है, तो यही कहलाती है मृग तृष्णा। तो अब आप देखने वाले हैं गजनेर पैलेस का स्वीट रूम अंदर से कैसा है, आइए। तो जो स्वीट रूम है वह कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये है यहां का फायरप्लेस जो यूज में नहीं आता है अभी, और यहां से आप देख सकते हैं लेक का शानदार नजारा। जाली के पार है लेक, और लेक साइड व्यू होने के कारण ही यह स्वीट रूम जो है डीलक्स रूम से थोड़ा सा महंगा पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। सीधी सी बात है, जैसे व्यू वैसे दाम। और यह है स्वीट का बाथरूम, और इस स्वीट रूम के अंदर एक रात बिताने के लिए आपको खर्च करने होंगे 10,000 रुपए। जी हाँ, डिलक्स रूम जो है वहां आप पे करेंगे 8,000 रुपए,
यहाँ लेक साइड व्यू के लिए आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। और ये जो स्वीट रूम है यह डूंगर निवास में ही है। चलिए अब चलते हैं रेस्टोरेंट की तरफ। और यहाँ पे ततैया भी दिखा मुझे, जिसे राजस्थानी में बोला जाता है टांटिया। सुनने में बड़ा फनी लगता है ना आपको, टांटिया। जी हाँ, ततैया जिसे कहते हैं इंग्लिश में वास्प। यह जब डंक मारता है तो बड़ा तगड़ा दर्द होता है। नाम ही फनी है, इसका काम फनी नहीं है। तो यहाँ से बाहर आ गए हम, और यह जो एरिया है कुछ ऐसा है, गार्डन एरिया जो है इस पैलेस का। चलिए ये देखिए, ये जो रास्ता जाता है गंगा भवन मिराज रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। और गार्डन एरिया है तो यह हरा भरा होना ही था। आप देख रहे हैं कितनी हरियाली है यहाँ पर। सबसे खास बात है यहाँ की शांति। ये देखिए, यहाँ पे आप इन पिलर्स पे देख सकते हैं काले सिंह बनाए हुए हैं, ब्लैक लायन। इस तरफ है पैंथर। इसे देखकर मुझे बघीरा याद आ गया है। बघीरा तो याद है ना आपको, मोगली देखा ही आपने। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, फूल खिला है। यह सबको याद होगा। क्यों सिप्पी, तुझे याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है, मेरा फेवरेट सीरियल था वो। और बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी फेवरेट होता था वह प्रोग्राम। बच्चे बड़े और मम्मी पापा सब एक साथ बैठकर देखा करते थे, वो एक अलग दौर था। हरियाली पर्याप्त मात्रा में है यहाँ पर। और इसके अलावा जो यहाँ पर गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला जो एरिया है, उसके लिए भी यहाँ होटल की तरफ से अलग से जीप जाती है, और उसकी बुकिंग जो होती है 3,500 के अंदर होती है। जो 5-6 सवारी होती है उसके अंदर आप जा सकते हैं। अगर आप अकेले भी जाना चाहेंगे तो भी आपको पे करने पड़ेंगे 3,500। सेंचुरी को देखते हुए आप देख पाएंगे कुछ जानवरों को, जैसे कि जो जंगली सुअर होता है वह देख सकते हैं आप, नीलगाय देख सकते हैं, हिरन देख सकते हैं, चिंकारा जो होते हैं वो भी आपको दिखाई देंगे, दृष्टिगोचर होंगे। जो बड़े हिंसक जानवर हैं वो आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो छोटे मोटे कहते हैं ना शाकाहारी जानवर हैं, आप उनको देखिए, उनको देखने का भी एक अलग मजा है। तो चलिए चलते हैं रेस्टोरेंट एरिया की तरफ। ये देखिए, सन बैदिंग के लिए, सूर्य स्नान के लिए, यहाँ से लेक का व्यू कुछ ऐसा है रेस्टोरेंट से। आइए चलिए देखते हैं अंदर से इसे भी। लीजिए, ये है मिराज रेस्टोरेंट। तो आ पहुंचे हैं हम मिराज रेस्टोरेंट के अंदर। तो ये देखिए रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया जो है ये इस तरीके से है, मिराज रेस्टोरेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं, गजनेर पैलेस शिकारगाह हुआ करता था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक शिकार किया हुआ सांबर जो है उसको यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले यहाँ पर बहुत सारे शिकार किए पशु पक्षी जो थे वो डिस्प्ले में होते थे, लेकिन अब उन्हें यहाँ से उदयपुर भेज दिया गया है, क्योंकि यह जो गजनेर पैलेस है यह उदयपुर के महाराजा अरविंद सिंह जी मेवाड़ के ही अधीन है, फिलहाल लीज पे उन्होंने ले रखा है। तो मिराज रेस्टोरेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ, आपको नजारा मैंने दिखा दिया है। अब जरा सर से जानते हैं इनका नाम। तो सर आपका नाम? मेरा नाम करण सिंह शेखावत है सर, मैं फूड एंड बेवरेज हैंडल करता हूँ। तो सर मैं जानना चाहूंगा, ये जो आपका मिराज रेस्टोरेंट है इसकी सबसे खास चीज क्या है, वेज और नॉन वेज दोनों के अंदर? नॉन वेजिटेरियन में सर हमारा लाल मांस है। ओके। जो कि काफी फेमस डिश है, वो हमारा स्पेशलिटी है नॉन वेज में। और वेजिटेरियन में सर हमारे पास राजस्थानी थाली है, प्लस कोई सेपरेट लेना चाहे तो राजस्थानी क्यूजीन है, गट्टा करी, केर सांगरी, वो हमारा वेजिटेरियन स्पेशल। ये देखिए इस तरीके से प्लेसमेंट है। तो काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ का ये जो मिराज रेस्टोरेंट है। तो मेरा आपसे यही है कहना कि आप अपने दलबल के साथ आए, मित्रों के साथ आए, परिवार जन के साथ आए, प्रेमिका के साथ आए, पत्नी के साथ आए, या फिर अकेले ही आए, आए और अपनी पसंद का खाएं और दिल खुश करके यहां से जाएं। तो हम भी यहां से चलते हैं बाहर और देखते हैं दूसरा एरिया। अच्छा है सिपी? बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ जो रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ से जो डूंगर निवास है उसका बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिलेगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ, मेरी बात को सही साबित करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ से लेक को और उस स्थान विशेष को, डूंगर निवास को देख रहे हैं आप। यहाँ से व्यू कितना प्यारा दिख रहा है, पूरा जो पिछला भाग है डूंगर निवास का वो आप देख सकते हैं यहाँ पर।
तो मिराज रेस्टोरेंट के बाद में अब आपको लेके चलता हूँ गजनेर पैलेस के एक और हिस्से की तरफ जिसका नाम है गुलाब निवास। तो आइए मेरे साथ, आइए आइए। और सामने मुझे दिखाई दे रहा है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसे मारवाड़ी में हम कहते हैं मोरियो। और गाना मुझे जो ध्यान आता है मोर से वही मोरियो आछो बोलियो रे ढलती रात मा, जिसे बाद में श्रीदेवी वाली मूवी लम्हे के अंदर कर दिया गया था। हैं मोरनी बागा में बोले आधी रात मा। तो चलिए आ पहुंचे हैं हम गुलाब निवास एरिया के अंदर। तो इस तरीके से गुलाब निवास एरिया के अंदर भी काफी रूम्स बने हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं एक फोटो के अंदर प्रदर्शित बाघ के शिकार के बाद में शिकारी लोग खड़े हैं। वैसे तो यह जगह जो है शिकार के लिए ही बनी थी और मैं पर्सनली पशु पक्षियों के शिकार के खिलाफ हूं, ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन वो जो काल होता था उस काल के अंदर न सिर्फ राजस्थान के इस हिस्से में, राजस्थान के सभी हिस्से में, भारत के सभी हिस्से में और यहां तक कि दुनिया के हर हिस्से के अंदर उस समय रॉयल फैमिलीज के लिए शिकार जो है एक आम प्रैक्टिस हुआ करती थी। ये जो डिलक्स रूम्स हैं आपने जैसे पहले देखे थे उसी तरीके से है। और गुलाब निवास से अब हम बढ़ रहे हैं चंपा निवास के एरिया की तरफ और उसके लिए हमें जाना होगा इस तरफ। उम्मीद करता हूँ ये जो कोरोना का दुष्प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन के ऊपर यह जल्दी ही दूर होगा और फिर से यह जो जगह है जो सैलानियों से भरी हुई होगी, देशी के साथ साथ विदेशी सैलानी भी। लीजिए सामने आ गया है चंपा निवास। और यहां भी लगी हुई हैं पुरानी फोटोज और यहाँ इस फोटो के अंदर आप देख सकते हैं करण महल का जो कोर्टयार्ड जो जूनागढ़ किले के अंदर है और यह जूनागढ़ किले का जो दक्षिणी भाग है उसका व्यू है। और यहाँ आप जूनागढ़ फोर्ट के साथ ही देख सकते हैं सूर सागर को और ये देख सकते हैं आप जूनागढ़ किले का प्रवेश द्वार और यह बहुत पहले की तस्वीर है। आइए इस तरफ चंपा निवास को देखते हैं। यहाँ पर जो बीकानेर रियासत के राजघराने के जो रहने की जगह थी उन सब के फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और यूं यहां पर डिलक्स कैटेगरी के रूम्स हैं। तो यहां गार्डन एरिया में ही वहां पे आपको जैसे बताया गुलाब निवास है, उससे आगे चंपा निवास है वहां पर। और इस तरफ जो है ये है यहां का एक स्पेशल रूम, बिलियर्ड्स रूम। तो ये देखिए ये है यहाँ का बिलियर्ड्स रूम। यहाँ है एकदम जो कहते हैं ना आलू बुखारे जैसी, यह लाल लाल गेंदे और यहाँ पे है वाइट वाली वाइट बॉल। ये जो है मैंने वीडियो गेम के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से खेला है, ऐसे जब भी खेलने का प्रयास किया था मैंने तो हाथ जो है वो थोड़ा बहुत हिल ही जाता था तो निशाना जो है बराबर लगता नहीं था, यह प्रॉब्लम हो जाती थी मेरे साथ में, लेकिन वीडियो गेम के अंदर मैं चैंपियन था। इस तरीके से है बिलियर्ड्स रूम अंदर से और पूल टेबल के पास में ही है आप देख सकते हैं यहां पर शिकार किए हुए दो तेंदुए। जैसा कि अपने जीवन काल में ऐसे ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं वो देख सकते हैं आप यहां। तो उस तरफ है गुलाब निवास, इस तरफ आ गया चंपा निवास और इस तरफ है मिराज रेस्टोरेंट। और मिराज रेस्टोरेंट के पास में मुझे दिखाई दिया है एक बरगद का वृक्ष जिसे बड़ का पेड़ बोला जाता है राजस्थान के अंदर। तो यह बड़ का पेड़ आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप इसके विशाल तने को जो जड़ों से ही इतना विशाल बन गया है। ये देखिए कितने विशाल होते हैं इसके पत्ते, आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे हाथ से भी बड़ा है इसका पत्ता। तो यहाँ देख सकते हैं आप हर तरफ मोर ही मोर दिखाई दे रहे हैं, काफी मोर हैं इसके अंदर। तो यहाँ गजनेर पैलेस के अंदर इतने सारे मोर देखकर मेरे मन का मोर है वह भी नाचने लगा है और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हमारा जो वर्ड गेम सेगमेंट होता है उसका जो आज का वर्ड है वह है मोर। जी हाँ मोर। मोर बोले रे उमल जी आबुरे पाड़ा मैं, उमल जी आबुरे पाड़ा मैं, उमल जी मोर बोले रे बेगा आई जोरे, उमल जी आबुरी धरती मैं, उमल जी बेगा आई जोरे।
मोर बोले रे उमल जी आबुरे पाड़ा मैं उमल जी मोर बोले रे। तो ये जो एक राजस्थानी गाना था जिसके अंदर था मोर वर्ड, आपके लिए था हम दोनों मित्रों की तरफ से। अब आपकी पसंद का गाना जिसके अंदर हो वर्ड मोर, वो आपको कमेंट के रूप में है मुझ तक पहुंचाना। गाना मोर वर्ड से शुरू हो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस उस गाने की लाइन के अंदर मोर वर्ड होना चाहिए। तो ठीक है, चुनिए अपनी पसंद का गाना और पहुंचा दीजिए जल्दी से कमेंट के रूप में। यहाँ जो आप सारे वृक्ष देख रहे हैं, ये सभी वृक्ष जो हैं लगभग 150 साल से ज्यादा पुराने ही हैं, ऐसा हमें पता चला है। वहां से हम इस तरफ आ चुके हैं, यहाँ पे एक दरगाह भी है लेक के पास में ही, और लेक का एरिया जो है, विस्तार क्षेत्र जो है, काफी आगे तक है। ये देखिए कितना बढ़िया नजारा है, मन कर रहा है ना आपका भी यहाँ आने का। मैं भी बहुत टाइम बाद में आया हूँ, कितने टाइम से सोचा था मैंने यहाँ आने का और फाइनली यहाँ पे हूँ। मुझे इस गजनेर पैलेस के बारे में नहीं पता था, बीकानेर में पहले घूम चुका था। तो मेरी एक जो फ्रेंड है रेणुका जी, जो मुझे मिली थी मध्य महेश्वर में, उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। वो अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पे आई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब भी जाओ यहाँ गजनेर पैलेस जरूर जाना। तो फाइनली यहाँ पे आ गया हूँ। महल के सारे जो मुख्य भाग थे होटल के, वो हमने देख लिए थे। उसके बाद में हम जो ये सेंचुरी वाला जो एरिया है उस तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमें इतने बढ़िया बढ़िया वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, और आप ये देखिए लगभग जैसे पूरा इसने कवर ही कर रखा है, धूप नीचे आ ही नहीं रही है लगभग, ऐसा लगेगा। देखिए छोटा सा पैच है, उसके अलावा पूरा एरिया जो है छाया वाला है। ये देखिए कुछ बतख दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, मेन प्रवासी पक्षी अभी नहीं आए हैं। वहां पे क्या है वो भी आपको बताता हूं अभी, उससे पहले आप यहां से एक बार व्यू देखिए। देख सकते हैं आप वहां बतख परिवार को। और आगे वहां पे है डूंगर निवास। आमतौर पर राजस्थान की जो इमेज है वो एक मरुभूमि की, रेगिस्तान की, एक डेजर्ट की है, लेकिन आप देख सकते हैं बीकानेर का जो एरिया है इसके आसपास भी आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है, लेकिन साथ ही आपको देखने को मिलता है यह हरा भरा इलाका। जी हाँ, यह सेंचुरी वाला जो एरिया है यह एक जंगल ही कहा जाएगा, क्योंकि इतने सारे वृक्ष हैं, इतनी हरियाली है, घना जंगल है और जंगली जानवर भी हैं। तो झील के नजारे के बाद में अब आपको बताता हूँ वो ऊंचाई वाला स्थान जो आपने अभी देखा था वो क्या है। ये जो आप ऊंचाई वाला एक छोटा सा स्थान देख रहे हैं पेड़ों के पीछे छुपा हुआ, ये देखिए इसे कहा जाता है शबनम महल। और इसका प्रयोग भी जब महाराजा शिकार के लिए आते थे तो यहीं से निगाह रखने के लिए, शिकार करने के लिए किया जाता था। जाने के लिए हमें थोड़ा सा ऐसे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस चढ़ाई के बाद में ही हमें पता चलेगा कि उस ऊंचाई पर पहुंचने पर व्यूज कैसे दिखते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का है यह शबनम महल, और इस पे आने पे पता चलता है कि जो लेक है यहाँ पीछे के हिस्से में भी फैली हुई है। आइए चलते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन हमारा शिकार का कोई इरादा नहीं है, हमारा तो प्रकृति से प्यार का इरादा है। और इस शबनम महल की हालत कुछ ऐसी है, बहुत सारे ततैये हैं इसमें, लेकिन व्यूज के लिए हमें थोड़ा खतरा उठाना होगा और इनसे बचते बचाते हुए इस तरफ आना होगा। तो देखिए यहां से जो व्यू है कुछ ऐसा है, आगे आप देख सकते हैं गजनेर गांव को, और लेक के आगे आप जो देख रहे हैं यह सारा सेंचुरी वाला एरिया ही है, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण जो है। यहाँ ही शबनम महल में ये फायर प्लेस पहले यूज में लिया जाता था, इसके जो सारे खिड़की दरवाजे हैं वो सब टूट चुके हैं। अगर इसे भी रेनोवेट करके अगर रेस्टोरेंट बना दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा ये भी, क्योंकि यहां से व्यू बहुत प्यारा है। तो यहां जो पीछे आप देख रहे हैं यह बिल्डिंग कहलाती है सरदार निवास, जो फिलहाल बंद है क्योंकि इसकी जो अवस्था है वह सही नहीं है, जीर्ण शीर्ण सी है, इसे रिनोवेशन की जरूरत है। और कहा जाता है कि इसके अंदर लगभग 104 कमरे हैं, तो
आप अंदाजा लगा सकते हैं यह जो बिल्डिंग है कितनी विशाल है। अगर इसको अच्छे तरीके से डेवलप कर दिया जाए तो गजनेर पैलेस के जो बाकी के चार भाग हैं उसी तरीके से यहाँ भी अच्छे खासे रूम्स तैयार हो सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो देखिए जरा सरदार निवास, लेकिन बाहर से। वो जो आप द्वार देख रहे हैं उसी से जो सेंचुरी वाला जो एरिया है उसके अंदर लेके जाते हैं यहाँ होटल वालों की तरफ से। और यहाँ आप देख सकते हैं सरदार निवास को। इस हिस्से को भी अगर हरा भरा बना दें, गार्डन वाला जैसा एरिया आपने देखा था, तो यह एरिया भी कहते हैं ना मुंबईया स्टाइल के अंदर चमन हो गया है, तो यह भी चमन हो जाएगा। तो वो जो है गजनेर पैलेस होटल के अंदर जाने का दूसरा वाला एंट्री गेट है, और इससे जस्ट पहले ही यहां पर है कुछ खास, वो अभी आपको बताता हूं मैं। सीपी है उस गेट के पास और उसी से हमें अंदर जाना होगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप ये एरिया, ये देखिए, ये देखिए, एक नजर डालिए इसके ऊपर। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ऐसी जगह क्यों दिखा रहा हूं जो इस गंदी अवस्था के अंदर है, गंदी हालत के अंदर है। वैसे यह जो जगह होती थी यहां पर बांधे जाते थे घोड़े और उन घोड़ों पे सवारी किया करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो ऑफिसर्स होते थे जो यहां पर आया करते थे और जिन्हें गंगा सिंह जी यहीं पर खिला पिला के रवाना कर दिया करते थे। तो वो लोग यहीं पर घुड़सवारी करते थे और यहां पे जो पीछे आप देख रहे हैं यहीं पे होता था उनका अस्तबल जहां उन्हें बांधा जाता था, खिलाया पिलाया जाता था घोड़ों को, अफसरों को नहीं। आगे ये जो हिस्सा होता था इसी के अंदर वो लेते थे घुड़सवारी का आनंद। इस तरफ भी बांधे जाते थे घोड़े और इसके पीछे वाले हिस्से में भी। ऐसे ही बीच में बना हुआ है सर्किल। इसी वजह से आपने जो डूंगर निवास का बार रूम था उसके अंदर जो कुछ एक पेंटिंग्स देखी थी उसके अंदर आपको दिखाई दिए थे अंग्रेज अफसर घुड़सवारी का मजा लेते हुए। तो वो पेंटिंग्स इसी वजह से बनी थी क्योंकि यहां पे उस समय अंग्रेज अफसर जो होते थे घुड़सवारी का आनंद लिया करते थे। एक बार फिर से देखिए आप इस जगह को, ये सर्किल, इसके बाद में बने हुए ये अस्तबल और वहां पे वो गेट, उससे हम जाते हैं बाहर। इसी के साथ हमारा गजनेर पैलेस होटल का ये व्लॉग होता है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कॉमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। जो लोग पहली बार इस व्लॉग के थ्रू चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए और कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते बस आपसे इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।